हमारे साथ इस वक्त बेबाक, कद्दावर और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी मौजूद हैं ईटीवी भारत पर खास बातचीत के लिए। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है, उसके बीच ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस से बड़ी टूट हो सकती है, बड़ी तादाद में विधायक, वही सीन बन सकता है जो 2020 मार्च में बना था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लगातार वर्षों से, 17-18 वर्ष में रहने से सत्ता के मद में मदांध हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति में माहिर है। उनको सोच है कि हम चुनाव राहुल गांधी की यात्रा में साजिश रच रहे हैं कि किसी भी तरह से एक दो विधायकों को तोड़ लिया जाए ताकि यात्रा के समय व्यवधान पैदा हो, लोगों का मनोबल टूटे। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है और अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि डूबती नाव में कोई नहीं बैठना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की नाव 2023 में मध्य प्रदेश में और 24 में लोकसभा के चुनाव में इस बार डूबने वाली है। इस नाव में कई छेद हो चुके हैं और जिसमें छेद हो के पानी भर रहा है तो बीच आके नदी में डूबेगा भी, तो उसमें कौन मरने को जाएगा? अब जिसको बिल्कुल ये तय करके आओ आतंकवादियों जैसा कि हमें मरना है तो बात अलग है, लेकिन हमारे सब माननीय विधायक जो हमारे साथी हैं और हमारे सबसे आत्मीय पारिवारिक संबंध हैं, हमें कतई नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की अफवाह है। कहा ये जा रहा है उनकी आस्था संदिग्ध है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, तो पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से कोई इस लीकेज को रोकने की कोशिश हो रही है? नहीं, सवाल इस बात का है कि पार्टी ने उस समय, पार्टी के कुछ विधायकों ने तो पहले ही जैसे अलावा ने कहा था कि वो हमारी पहली आदिवासी है, तो पार्टी ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, छानबीन नहीं की। वो एक महिला और आदिवासी का सवाल था तो उसमें ज़्यादा किसी से कोई न तो उनका मैंडेट जारी किया गया। अगर इस तरह का होता कि भाई हमें इस चुनाव में भाग लेना है और सक्रियता से करना है तो फिर पार्टी सख्ती करती और हो सकता है कि कुछ लोगों ने किया हो, कि जब वोट उनको पार्टी से के मिले हैं तभी इस बात को उठता है। लेकिन अगर टूटना अब कौन जाएगा, कोई नहीं जाना चाहता। ठीक, होता यह है कि उनका मोबाइल नेटवर्क फिर नहीं मिलता, तो अभी सारे विधायक संपर्क में हैं? पूरी तरह से संपर्क में हैं और कोई, मैंने कहा नहीं अब ना, तब उनको उम्मीद थी, लालच में, पैसे में, कई बेकाबू लोग हैं वो चले गए थे सत्ता के, मंत्री बनेंगे, अब कई ऐसे जाके रो रहे हैं, दुर्दशा है उनकी, दो कौड़ी का मान सम्मान इज्जत नहीं। एक गद्दार की जो कीमत होती है समाज में, वो उनकी स्थिति हो गई है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और ये बिल्कुल वही समय है, चुनावी साल लग चुका है, ऐसे में उनकी यात्रा को लेकर आप, बड़े अनुभव है आपको राजनीति का, क्या मान रहे हैं कि कांग्रेस को जोड़ने के लिए और दूसरा जनाधार बढ़ाने के लिहाज से ये यात्रा कितनी कारगर हो सकती है मध्य प्रदेश में? राहुल गांधी जी आ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के वोट जोड़ने के लिए आ गए, वो देश को इकट्ठा करने, सांप्रदायिकता, सद्भाव, भाईचारे में जो विघ्न पैदा हुआ है, आज एक समाज का दूसरे समाज से विश्वास उठ चुका है, उस विश्वास को जोड़ने और हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को सुरक्षित करने और गरीबी, बेकारी, लाचारी, महिलाओं पर अत्याचार, छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार के अंबार लग गई है, इन सबको जो पीड़ित लोग हैं, जैसे नौजवान हैं आज पढ़े लाखों रुपए खर्च करने के बाद डिग्री प्राप्त करते हैं, आज उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, कई बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे आत्महत्या करने को मजबूर हैं, कोई फांसी लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है, इसी प्रकार पूरी तरह से बेरोजगारी के बाद महंगाई चरम सीमा पे है, महिलाओं के घर का बजट जो था उससे 100% ही वृद्धि हुई है, किसान परेशान है, उसको डीजल पेट्रोल किसी के भाव बढ़ाने से खेती में एक बीघा में करीब 750 की लागत बढ़ गई है। अब मोदी जी देते हैं 6000 रुपये,
प्रधानमंत्री सम्मान निधि, और जिसके पास 5 एकड़ है, 10 बीघा ज़मीन है, उस पर 7,500 बाईं जेब में 6,000 डाल दिए और दाहिनी जेब से 7,500 निकाल लिए। इस तरह जनता को लूट रहे हैं। पूरे विश्व में किसी भी राष्ट्र ने किसी के खाने पीने पर पेट पर धोखा लात मारने का काम नहीं किया, परंतु मोदी सरकार ने आज खाने पे, दूध पे, आपके चाय पे, आटा पे, चावल पे, हर चीज़ पे लगा के गरीबों का जो निवाला था उसको भी छीनने का काम किया है। जो तैयारियां चल रही हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर, उसमें जो राहुल गांधी की टीम के चेहरे दिखाई देते थे, जो नौजवान चेहरे हैं, वो उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी तरफ बीजेपी सहानुभूति दिखा रही है अरुण यादव को लेकर, जिस तरह से सुरेंद्र सिंह शेरा इनिशिएटिव लिए हुए हैं बुरहानपुर में। सवाल है, अरुण यादव बड़े नेता हैं, उनको अलग जिम्मेदारी है, स्वयं संभाल रहे। हमारे साथ अभी 2 दिन खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के 2 टूर पे हमारे साथ रहे, व्यवस्था देखना, निर्देश देने का काम कर रहे हैं। और कार्यकर्ता जो है उसका काम उनको दिया जाता है। जहाँ तक सुरेंद्र सिंह शेरा का सवाल है, शेरा का परिवार कांग्रेसी रहा, उनके भाई शिव कुमार सिंह जी संसद में, पार्लियामेंट में रहे, सांसद रहे। उनके दूसरे नंबर के भाई महेंद्र सिंह जी 10 साल कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे, और महेंद्र सिंह जी मेरे साथ भी, शिव कुमार सिंह जी विधायक, विधानसभा में विधायक रहे, कांग्रेस से रहे। इस प्रकार ये सभी पूरा परिवार खानदानी था। टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय हो गए, और आज उनकी पूरी आस्था और गतिविधियां पार्टी के साथ लगी हुई है, पार्टी का काम कर रहे। जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के आह्वान पर पूरी प्राण पर से जुड़ी हुई हैं, उनकी हमारे यात्रियों के लिए ठहरने की, खाने पीने की सब व्यवस्था कर रहे हैं। और अगर अरुण यादव को तो कोई तकलीफ नहीं, अरुण यादव क्योंकि अरुण यादव मतलब लोकसभा के हैं, और उनका उन्होंने स्वयं अभी चुनाव से मरने से इनकार किया था। अगर इतने लालची होते तो इस तरह का कोई त्याग नहीं करता। टिकट जब जीतने की स्थिति थी तो उन्होंने कहा अल्प समय का चुनाव है, इसलिए इसको हम आगे लड़ेंगे। और सुरेंद्र सिंह शेरा जहाँ तक सवाल है, बुरहानपुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं और रहेंगे, इसलिए आपस में कोई टकराव नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने को पहले देखे, आज क्या सिंध ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह जी तोमर और इसमें अपने नरोत्तम मिश्रा के एक राय में है, एक दूसरे का गला काट राजनीति चल रही है, मारामारी चल रही है, सत्ता पर हड़पने के लिए, काबिज करने के लिए। जो सिंधिया जी ने कांग्रेस के साथ किया, किसी दिन उनके साथ भी यही कर बर्ताव करेंगे। आपने बताया कि बीजेपी में कैसे नेताओं के बीच गला काट राजनीति चल रही, लेकिन इस तरह के सियासी आरोप भी लगते हैं कि कांग्रेस के भी जो बड़े नेता हैं उनके बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध सरकार में हैं। कांग्रेस पार्टी 100% प्रजातांत्रिक पार्टी है। प्रजातंत्र में अगर हम लोग राजनीति में व्यवस्था बना लेंगे तो वो राजनीति में, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जो सामने चुनाव लड़ता है उसको व्यवस्था बना पालन, उससे बदलाव करती हैं, उस पर छापे लगवाती हैं, उनको जेलों में बंद करने का काम करती हैं, झूठे मुकदमे लगवाती हैं। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल राज किया, इस तरह की घड़त राजनीति कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने कभी नहीं की। हर सामंजस्य बनाना, और मैं स्वयं था। मेरा सवाल सर ये था कि जो सौहार्दपूर्ण संबंध है विपक्ष के नेताओं के सरकार के बीच, उसका असर पार्टी पर भी आता है? नहीं, कतई नहीं आता। जहाँ तक सिद्धांत की सवाल है, असेंबली में है आज, अगर इस तरह का होता तो हम भारतीय जनता पार्टी के जिनके स्वार्थ संबंध हैं तो संबंधों के कारण आज यात्रा में सहयोग नहीं करती। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में नहीं चलती, जो बड़े चल के आंदोलन कर रहे हैं, जिन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। कई हमारे ऐसे मित्र हैं, हमारे तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन, कांग्रेस, सभी दलों से हम राजनीति करने के लिए समाज में सबको जोड़ने, समाज को कुछ देने आए हैं। हम समाज से, राजनीति से लेने नहीं आए। हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि हम सबका जो
परोपकार का काम है। हम तो सोचते हैं सुबह जब हम भगवान के पूजा लगाते हैं नहाने स्नान करने के बाद, तो एक बार कहते हैं ईश्वर आज हमें हमारे किसी विरोधी का भी आहित हम मेरे द्वारा शरीर से ना हो, इस प्रकार की धारणा कांग्रेस के सभी नेताओं के है। और यहाँ तक बड़प्पन है कि सोनिया गांधी ने जब बात आई थी उनके राजीव गांधी की हत्या वाले, तो जो महिला जिसने षड्यंत्र रचा था और बम विस्फोट कराया था उसको उन्होंने जेल से छोड़ने के लिए अपील की थी। इतना बड़प्पन, इतना बड़ा हृदय इस किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी मोहन भागवत में या मोदी में है? तो जो उनका चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का चरित्र इस प्रकार का नहीं है। भाईचारा है, अगर दिग्विजय सिंह जो हों, कमलनाथ हों, चाहे मैं स्वामी हूँ, कोई भी हमारे पास आया है और नहीं भी आया, अगर तकलीफ में है भारतीय जनता इंसान है तो इंसानियत के नाते हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसकी मदद करें। आखिरी बार फिर उसी सवाल पर आती हूँ जो इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस से एक भी विधायक नहीं टूटेगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अब मरने के लिए नहीं जाएगा, डूबने को नहीं जाएगा। जितने भी लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, जो बुजुर्ग लोग तक हैं जो घर बैठे हुए थे, उनमें भी इस समय उत्साह है, जोश है, सैलाब मर रहा है और सब पूरा सैलाब इकट्ठा होके शोषित पीड़ित जनता को, किसान को, मजदूर को, दुकानदार को जो GST के मार से बर्बाद हो गए, इन नौजवान इनको सबको लेके महिलाओं को गोलबंद होकर सरकार को उखाड़ने के बाद ही हम लोग राजनीति में शांति से बैठने का काम करेंगे। जब तक इसको सरकार को देश से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। हमसे बात करने का शुक्रिया सर। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जिनका कहना है कि विधायक तो छोड़िए, जो पूर्व विधायक हैं, जो लगभग राजनीति से किनारे बैठे हैं, वो भी BJP में जाने का इस वक्त नहीं सोच सकते। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ETV भारत के लिए।